उनके यहाँ अकलियत वो है जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर जन्मी है, सिख अकलियत है, जैन अगर उठा रहे हैं, लेकिन वो फिर भी उन्हें अपना हिस्सा मानते हैं। यानी अगर ये सुधर जाए, उनके एस्टेब्लिशमेंट के लिए चैलेंज ना बने, तो इन्हें रहने खाने पीने देंगे, लेकिन मुसलमान और ईसाई इन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात सही है। वो लोग जो दफन होते हैं उन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो खुद को जलाते हैं वो उन्हें गवा रहे हैं, क्योंकि वो दफन नहीं हो रहे। जो गीत गाए जाते हैं ये फ्रांस में देख रहे क्या हो रहा है जी जी, तो ये कहानी ही है। ठीक है, मैंने आपसे पहले ऐसे कहा कि हिंदू बनिया, आप हिंदू बनिया कहते हैं, पता नहीं क्यों कहते हैं, मैं नहीं जानता उसकी तारीख को, लेकिन ब्रह्मा जो है वो किसी भी नजरिए को गले लगा सकता है, तब तक वो मुसलमान नहीं हो सकते। वो किसी भी, आज नकली मुसलमानों की एक बड़ी तादाद है हिंदुस्तान में, और ऐसे लोगों की बड़ी तादाद हमेशा रही है, जैसे विश्वनाथ पांडे हुआ करते थे, मालिक राम हुआ करते थे, आनंद नारायण मुल्ला हुआ करते थे, ये लोग या तो जजेस थे या फिर थे, ये लोग मुसलमान बिल्कुल नहीं थे, इन्हें कोई हमदर्दी भी नहीं थी, या स्वामी अग्निवेश थे, करवाने पड़ते थे, वो तो स्वामी अग्निवेश कहते थे कि साहब बिस्मिल्लाह से अपनी तकरीर करते थे शुरू, और उसके बाद बाकायदा कलमा पढ़ते थे, पहला कलमा थे जब वो पढ़ते थे, और उनसे बड़ा इस्लाम दुश्मन कोई नहीं हो सकता था, वो आर्य समाज थे। आर्य समाज ने जितना इस्लाम को नुकसान पहुंचाया है और जितनी बदसमानी की है, जितनी बदलिहाजी की है, सनातन धर्म में ये सलाहियत ही नहीं है। आर्य समाज तो कहते थे तुम कैसे मुसलमान हो, वो खड़े बुद्ध की पूजा करते हैं, तुम देते हुए बुद्ध की पूजा करते हो, क्या कि मुसलमान अगर तौहीद बुनियाद है अल्लाह के नजदीक मफरत की, तो हम असली वही थे, हम अल्लाह को निराकार मानते हैं, सर्वशक्तिमान मानते हैं, आपके हाथ में इसके हाथ में ताकत है, उसके हाथ में ताकत है, उसके हाथ में ताकत है। अब जाहिर है कि हम सब अल्हम्दुलिल्लाह कुरान से तो दूर ही है, बेशक हम तो फिकी मुसलमान है ना, मुस्लिम मुसलमान हम सुनी सुनाई सुनी है, हाँ जहाँ सुनी है तशिया है कुछ भी है, हम मसले के लोग हैं, हमें क्या मतलब कि दीन में क्या लिखा है, हम जानते भी नहीं है, तो हम उसका जवाब भी नहीं दे पाते थे। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नाम की किताब लिखी, सत्तर बदसवाने हैं उस किताब के अंदर, जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन वो बहरहाल मोहित थे। और ये आर्य समाज का, ये भी बोलेंगे आर्य समाज का जन्म भी इस्लाम को काउंटर करने के लिए हुआ था, और कई ऐसे मत जो इंडिया में इस्लाम को काउंटर करने के लिए पैदा हुए थे, जैसे सिखिज्म वगैरह हो गया। तो जहाँ जरूरत पड़ती है, ये सनातन धर्म ने ही बनवाया आर्य समाज, सुनो, तो जहाँ जरूरत पड़ती है, ये सनातन धर्म ने ही बनवाया आर्य समाज। जब सनातन धर्म को लगा 30s में 20s में यानी 20वीं सदी के अवाल में, जब उनको ये पता चला हम नहीं कर पाएंगे इनका मुकाबला दलाई से, तो उन्होंने इनको आगे बढ़ा दिया, जैसे लफाई ने जैसे लफाई को अंग्रेजों ने आगे बढ़ाया था कि बैठकने के लिए, उनको आगे बढ़ा दिया, और उन्होंने ठीक ठाक जगह दी, अब कहीं पर नहीं है, अब आर्य समाज का नाम निशान नहीं है, जो काम लेना था लेकिन ये यहाँ पे गलत बोली है उन्होंने, आर्य समाज का है वो अंडरग्राउंड काम करता है, वो लोगों को धर्म परिवर्तन कराता है, खासकर मुस्लिम लड़के को टारगेट करता है, वो जो आर्य समाज की जो मंदिर है ना उसमें शायद हालत ये हो गई कि आपने लाल कृष्ण अडवाणी का नाम जरूर सुना होगा, लाल कृष्ण अडवाणी आर्य समाज थे, जो राम को मानते ही नहीं थे और राम के जगह रोने लगे, इस्लाम का मुकाबला करने के लिए, कोई भी आइडियोलॉजी का मुकाबला करने के लिए।